हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल श्रीज लिटिल प्लेजर और वेलकम बैक टू माय चैनल सो आज हम मनाने वाले रवा उत्तपम चलिए इंग्रेडिएंट्स को एक बार देख लेते हैं यहाँ पे सूजी बीन्स uh, गाजर चिली uh, टमाटर अनियंस, uh, धनिया पत्ती कैप्सिकम करीपत्ता एंड दही तो एक मिक्सिंग बोल ले लेंगे उसमें डाल देंगे फर्स्ट एक कप सूजी एक कप सूजी के लिए हम डालेंगे यहाँ पे थ्री फोर्थ कप दही थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा चॉप्ड करी पत्ता सारा कुछ एक बार अच्छे से मिला लेंगे और उसमें मैं डालूँगी एक से दो चम्मच के राउंड वाटर और उसको ना एक थिक बैटर फॉर्म हो जाने के बाद 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देना है 10 मिनट बाद हम ढक्कन हटा लेंगे फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और प्रॉपर इडली वाला जो बैटर इडली वाला जो कंसिस्टेंसी होता है ना बैटर का वैसा ही बैटर बना लेंगे फिर सारे वेजीज़ को मैंने यहाँ पर ऐसे ही ऐड कर दिया है वेजीज़ ऐड करने के बाद अच्छे से सब कुछ मिक्स कर लेंगे मिलाने के बाद अगर बैटर बहुत थिक हो गया है थोड़ा और पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे पानी एक ही बारी में सारा नहीं ऐड करेंगे पानी ऐड करते जाएंगे और बैटर को हम चेक करेंगे कि कंसिस्टेंसी प्रॉपर है कि नहीं जब प्रॉपर कंसिस्टेंसी में आ जाए फिर हम बेकिंग सोडा डालेंगे अराउंड वन फोर्थ टी और मिला लेंगे अच्छे से दिस इज टू मेक द उथपम फ्लफी कुरियंडे लीव्स भी थोड़ा सा ऐड कर दिया है अभी मैंने एक तवे को अच्छे से ग्रीस कर लिया है थोड़ा सा ऑयल डाल के एक ब्रश की हेल्प से फिर एक स्पून से मैंने छोटे छोटे पोर्शंस में ऐसे निकाला है निकाल लिया है और इसको ना स्प्रेड कर देंगे जैसे कि पैनकेक बनाते हैं ना हम वैसे ही हम बना लेंगे सो एक एक साइड थ्री टू तो फोर मिनट्स के लिए हम पकाएंगे सो साइड से आप देख सकते हो हल्का हल्का ना पकने लग गया है तो एक स्पून से आप थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना हल्का उठा के कि ये ठीक से उठ रहा है कि नहीं अगर प्रॉपरली निकल रहा है एकदम स्मूदली मतलब ये पक चुका है तो हम हल्के हाथों से इसको फ्लिप कर देंगे देखिए कितना गोल्डन ब्राउन हो गया है कितना सुंदर कलर आ गया है सो इसका मतलब ये पक चुका है दूसरा साइड भी थ्री टू फोर मिनट्स हम पका लेंगे and that's it mara rava is ready so this is so quick and easy recipe guys you should give it a try and uh this is a very good breakfast and snack uh, recipe. You can carry it in lunch. Kar sakte hai. And it's super quick and easy to make for all the beginners and anybody who loves to have some healthy snacks. So I hope you like this recipe. Do give this a try and let me know in the comments how you liked it. Like, share, and subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye.